नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह। आपको पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी और कर्नाटक जीतने के बाद सीएम का तय करना था। सीएम पद के लिए कर्नाटक में दो उम्मीदवार थे, एक सिद्धारमैया और दूसरे डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार को हटा दिया गया और उनको दूसरा पद दे दिया गया और सिद्धारमैया जो थे उनको सीएम बना दिया गया। अब ये बात होने के बाद यहाँ पे नाराजगी साफ निकल करके सामने आ रही है। अब डीके यहाँ पे तो कुछ नहीं बोल रहे, ज्यादा डीके क्या बोल रहे हैं ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन डीके के भाई ने कुछ संकेत दिए हैं। वो संकेत कांग्रेस के लिए मुझे अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। आपको मैं बताऊंगा, आप भी तय करिएगा कि क्या अच्छा है कांग्रेस के लिए ये स्टेटमेंट या नहीं है, क्योंकि बहुत ही कठोर और शार्प सा स्टेटमेंट डीके के भाई ने दिया है। अभी यहां पे हम देख लेते हैं कि सिद्धारमैया तो बन गए, लेकिन डीके शिवकुमार ने कहा कि ये फैसला मैं लेना तो नहीं चाहता था, बट ठीक है, ये पार्टी और कर्नाटक के लिए अगर सही है तो मैं डिप्टी सीएम बन जाता हूं। मैं पार्टी के लिए ये सब बन रहा हूं, मुझे बनना तो सीएम ही था। लेकिन यहां पे डीके शिवकुमार तो मान गए, लेकिन डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने क्या कहा मीडिया में। डीके सुरेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन कर्नाटक के लोगों के हित में हम चाहते हैं कि हम अपने वादे को पूरा करें। यही वजह है कि डीके शिवकुमार ने इस फैसले को स्वीकार किया है। हम भविष्य में देखेंगे, अभी तो लंबा रास्ता तय करना है। मैं चाहता था कि डीके शिवकुमार सीएम बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम फिलहाल इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आगे क्या करना है, ये बड़ा खतरनाक शब्द है और ये किधर की ओर इशारा कर रहा है ये भी आप समझ सकते हो। अब आप लोग अपना ओपिनियन बताइए। गर्मा गर्मी तो अभी चल रही है, दिख तो रहा है। नमस्कार।